السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. इल्म का सोर्स सिर्फ दो हैं,
एक है कुरान मजीद, दूसरा है उसवा हसना, और कोई तीसरा सोर्स नहीं। कुछ भी बात करें, बुनियाद बनाएं, तो सिवाय इस दो के और कोई उनवान नहीं पहन सकता। बाकी सब जो है तहकीक कही जा सकती है जो नामुकम्मल हो। इंसानी इल्म के एतबार से जो तहकीकात होते हैं, उन तहकीकात के अख्तिताम पर डॉक्टर साहब भी बैठे हुए यहाँ पे, तख्ता हर उनवान के बाद ये लिखा जाता है कि मैंने अपनी इल्म के एतबार से जो भी मौजू छूना था उसके दलायल हत्तल इम्कान अपने इल्म के मुताबिक दिया हूँ, मगर कोई ख़तई दलायल नहीं है। अगर किसी को इख्तलाफ हो इस मौजू पर, फिर इस रिसर्च को बुनियाद बनाकर या इस रिसर्च के खिलाफ भी तहकीक कर सकता है। इंसानी इल्म बस इतना ही है, जिसे उर्फ आम में साइंस भी कहा जा सकता है, यानी तकमील नहीं हुई उसकी, गैर मुख्तम इल्म है। तो इसीलिए तारीख भी इंसान की गैर मुख्तम है, और वो जाके क़ियामत के दिन ही कंप्लीट होगी, क़ियामत के दिन मुकम्मल होगी। तारीख की अगर किताब, इमरानियत की किताब, इंसानी ज़िंदगी की अगर कोई किताब है, तो सिवाय कुरान मजीद के और कोई दूसरी किताब नहीं। आदम अलैह तख्लीक़ इंसानियत, यानी पहली तख्लीक़ आदम अलैह सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुन नबीन होने के बाद ख़यामत तक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोयों के एतबार से इस उम्मत को बाज़ाब्ता रहनुमाई और रहबरी की गई। तारीख दरअसल यही तारीख है, और इसको बनवान अगर मस्जिद आलिया में तारीख इस्लाम दिया जाता है, तो इसे इख्तलाफ़ की कोई गुंजाइश नहीं। अब तारीख में कितने पहलू पैदा हुए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, क्या तारीख ने अपने आप को दोहराया? अगर आप मुतालआ करें तो पता चलेगा कि इंसान में आदम अलैहिस्सलाम को भेजते हुए अल्लाह ने तारीख के मुकाबले के लिए जो दो ग्रोहों को नामज़द किया, एक ग्रोह था मोमिनों का, दूसरा ग्रोह था काफिरों का, और ये ग्रोह क़यामत तक नहीं बदलेगा, क़यामत तक में नहीं बदलेगा। तो ये ग्रोह काफिरों का, ये ग्रोह मोमिनों का। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा, जब हमने नबियों को भेजा तो शैतान से, शैतान का एक रास्ता है, अल्लाह का एक रास्ता है। जब तुम शैतान के रास्ते पर चलोगे, उसके इल्म के मुताबिक चलने की कोशिश करोगे, जब बहकोगे तो अल्लाह ताला नबियों के ज़रिए तुम्हारे लिए हिदायत का दरवाज़ा खुला रखेगा। ये अल्लाह की मसलहत है, क्योंकि अल्लाह चाहता है ऐसा होना कि उसके दो गुरु रहें और इंसान को मुकम्मल आज़ादी हो, अकल दी गई और फैसला करे कि कौन से गुरु में वो जाना चाहता है। ये एक तरफ सीधा रास्ता, एक तरफ बिगाड़ का रास्ता, आजमाइश ही। यही तारीख दोहराई जाती। जब नबियों का तस्केरा हुआ और आदम को बनाने की बात आई, तो अल्लाह ताला ने कहा कि आदम को बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की इजाज़त देने के बजाय बाद और अखल देने के बाद भी अगर अल्लाह चाहता तो ये आपस में मुसलमान और काफिर मिलकर भी रह सकते थे। मगर अल्लाह ने कहा, वलौ शा अल्लाह मख्ततलुल वकिल वलाकिन इख्तलफ मिनहुम मन आमना व मिनहुम कफरा वलाकिन अल्लाह यफ़लु या मा युरीद।
आपके सामने तारीख की बुनियाद रख दी गई। अगर अल्लाह चाहता अपनी तख्लीक को आपस में मिलजुल कर रहना भी सिखा देता तो फिर आजमाइश ही कहीं की होती। अगर अल्लाह चाहता तो आपस में लड़ते झगड़ते नहीं, खतल व गारत गिरी नहीं करते, एक दूसरे को मारते नहीं। अगर अल्लाह वला शा अल्लाह मख्ता तलो आपस में लड़ते नहीं, बोला किन्न अल्लाह यफ़ुलु मा युरीद, अल्लाह चाहता है कि तुम मारो लड़ो, अल्लाह की मर्जी, तुमको भेज दिया। तो ये बुनियाद है तारीख की कि हमेशा दुनिया में दो गुरुओं रहेंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक। ये गुरुह अल्लाह का फरमा बरदार, उसको मुस्लिम कहें, फरमा बरदार कहें या सर तस्लीम करके ख़ुद को हवाले कर देने वाला ईमान वाला गुरुह। ये गुरु ऐसा होगा जो अपने ख्वाहिशात नफसानी के पीछे दौड़ता हुआ, अल्लाह की मुखालिफत करता हुआ, शैतान के बताए हुए रास्ते पर खुद चलेगा और इल्ज़ाम शैतान पर देगा। शैतान तो आपको हाथ पकड़ के गुनाह तो करा नहीं सकता, जैसे कि अल्लाह हाथ पकड़ के आपसे नेकी नहीं कराना चाहता। शैतान को मौरूद इल्ज़ाम करार देना आपका फैसला है, जिसकी गवाही खुद अल्लाह शैतान जो है ना क़यामत के दिन जब मैदान हशर कायम होगा उस वक्त शैतान आएगा, लोग कहेंगे कि इसने हमें बहकाया, इसने हमें कत्ल करने के लिए कहा, इसने हमें फसाद मचाने के लिए कहा, सारे गुनाहों के इल्ज़ाम शैतान को दे देंगे। तो शैतान बोला या अल्लाह तू बेहतर जानता है, मैंने तो सिर्फ उनकी वो हिस ख्वाहिश नफ्स जो मुस्बत और मनफी के दरमियान फ़र्क करती है, करना चाहिए जिसे, मुस्बत हो तो तेरा रास्ता, मनफी हो तो मेरा रास्ता, मैंने सिर्फ उसको उकसाया, मैंने हाथ पकड़ के इससे गुनाह नहीं किया, क्योंकि तूने मुझे उसकी इजाज़त ही नहीं दी थी। क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदों को तू बहका नहीं सकता, हाथ पकड़ के गुनाह नहीं करा सकता, तू तो इजाज़त ही नहीं दी, तो फिर मेरे मुझे मौरूद इल्ज़ाम क्यों करते हो। फिर इंसानों से मुखातिब होकर फरमाएगा, कहेगा वो तुम्हारे दिल में खुद ख्वाहिश थी ये करने की, मैंने जरिए सी तुमको आज दिलाई, उम्मीद दिलाई कि इसमें फ़ायदा है, और मेरा मैंने वादा किया तुमसे कि फ़ायदा कराऊंगा, तुम लपक कर आ गए, आज मैं कहता हूँ कि मेरा वादा फरेब था, मैंने तुमको लुभाया, अल्लाह ने तुमको जो आजमाइश के लिए भेजा था तुम मेरे ख्वाहिशात में फंस गए, मगर मैंने तुमको हाथ पकड़ के गुनाह नहीं करवाया। तो ये दो फरीक हैं, एक फरीक ख्वाहिश नफसानी को अल्लाह के हवाले कर दे, एक फरीक ख्वाहिश नफसानी को शैतान के बताए हुए तरीके पर अमल करता नजर आए, अपने आप को खुदा मान ले, अपने फैसले को खुदा मान ले, खुद जो कहता है उसको बोले कि मेरा हर्फ आखिर है, कामयाबी को कहे कि मेरी कामयाबी है, मेरे इल्म की कामयाबी है, जो मैं आज नजर आ रहा हूं ताकतवर मेरी ताकत है ये। तो ऐसी मिसालें दे दी गई। कौम नूह का क्या बताया गया, कौम नूह में बताया गया कि अल्लाह की ज़ात में पहली मरतबा शिर्क हुआ, अल्लाह के अलावा कहा गया कि अल्लाह की ज़ात तो है एक, मगर अल्लाह बगैर मदद के कोई काम नहीं कर सकता, उसकी ज़ात सिफात और इख्तियारात में किसी ना किसी का साथ है। उस पर नूह अलैहिस्सलाम आए, चली 950 साल, 1000 साल के करीब तगोदो चलती रही, हक व बातिल, तारीख बनी है हक व बातिल का झगड़ा, फिर कलील इंसानों को कश्ती में बिठाकर
अल्लाह ताला ने बचा लिया, सारे इंसानों को दुनिया में तबाह बर्बाद कर दिया। क्योंकि नूह अलैहि सलाम ने कहा या अल्लाह कोई हद होती है कि 950 साल तक मैं अपने कौम को बुलाता रहा मगर ये मेरे पास आने के बजाय अपनी ख्वाहिशत नफसानी में तेरे वजूद का, तेरे दीन का, तेरे तरीके हयात का इनकार करते रहे, यहाँ तक कि ये मुझे मारने के लिए भी तैयार हो गए। या अल्लाह ताला इनमें, इनकी औलाद, आने वाली औलाद में ऐसा खून ही नहीं है जो तेरी तरफ राजी हो, इसलिए अल्लाह ताला इसको तबाह बर्बाद कर दे ताकि कोई काफिर भी इनकी नस्ल से पैदा ना हो। ये हो गया मामला। और आपने देखा मुख्तसर से लोग आदम अलैहिस्सलाम, तादाद मुख्तलिफ है, बहुत कम लोग, उसी से दुनिया चली, इसलिए आपको आदम इंसानी कहा जाता है, यानी आपसे दुनिया चली। उसके बाद आया फैसला, तारीख क्या हुई, तारीख में अल्लाह का इनकार किया गया, फिर अल्लाह की हिदायत के लिए लोगों को भेजा गया, लोगों की अल्लाह की हिदायत का, नबी का इनकार किया गया, अल्लाह ने अजाब से दो चार कर दिया, एक तारीख बन गई। इससे सबक लेना चाहिए था ना, नहीं, नहीं होता इंसान, क्योंकि और अल्लाह ताला वो इंसानों को मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि अल्लाह के मिजाज क्या है, एक मोहलत दे दी है हर इंसान की पैदाइश में। आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ के वक़्त जितने इंसान आएंगे वो सबको पैदा करके हर एक की उम्र मुख्तस कर दी गई, ये हद आदम को बता दिया गया उनकी हथेली पर रख कर, ये तुम्हारी औलाद है जो क़यामत तक आएगी। अल्लाह ने मोहलत दे रखी है, अल्लाह अपनी मोहलत का पास रखता है, उससे बड़ा वादा वावदा वफा करने वाला कौन होगा। अल्लाह ने मोहलत ज़िंदगी में मौका दे दिया है कि पलट आओ, मगर उसके बाद कौमें आ आई, फिर मुखालिफत हुई, हालांकि सामने था, फिर मुखालिफत हुई, अपने तरक्की को, अपने साइंटिफिक तरीक़े को, और अपना जो है अमल का नतीजा समझा, बड़े ताकतवर लोग, फिर वहां नबी को भेजा गया, नबी की दावत के बाद भी उनका इनकार मोहलत दी गई, फिर वही फैसला हुआ, फिर तबाह कर दी गई। तारीख अपने आप को दोहरा रही, उसके जानशीन बने कौम समूद, सालेह अलैहिस्सलाम, नहीं मौजज़ा चाहिए, पहली मर्तबा मौजज़ा मांगा गया, अगर तुम बंदे हो अल्लाह के पैगंबर तो बताओ मौजज़ा क्या, अल्लाह मालूम तो हो। एक साइंटिफिक तरक्की, अब उसके बाद मौजज़ा मांगा जाए, देख लिए पीछे दो चीज़ें बिगड़ गई हैं। सालेह अलैहिस्सलाम बोलते रहे कि अल्लाह की ज़ात वाहिद है, सब उसी का बनाया हुआ है, उसी की तरफ पलटो, मैं तुम्हें अल्लाह की मुखालिफत में देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे, मगर उनको जान था अपनी ताकत का, मौजज़ा मंगा है तो ना, ऐसा मौजज़ा मंगा पत्थर से, यानी बच्चा देने वाली ऊँटनी पैदा हो, पत्थर से ऊँटनी तो निकल सकती है मगर उनके दिमाग में क्या था कि ऊँटनी गाब निकले, यानी ऐसे कि बच्चा जनने वाली नजर और बच्चा जन दे। देखिए आप, यानी हद हो गई अपने नफ्स की ख्वाहिशात की, निकाला गया, ताज्जुब मान लेना चाहिए था, मगर क्या है दिल में जो खद है ना, इंसान के, इंसान का नफ्स जब मोटा हो जाता है, फासिख व फाजिर हो जाता है, काफिर तो फिर भी पलट सकता है क्योंकि इनकार करता है, फासिख अल्लाह के अहकामात को इनकार करता है, तैरता है, फाजिर ना सिर्फ
इनकार करता है बल्कि अल्लाह के मुकाबले के लिए आ जाता है, जैसे कि आज है हमारे दरमियान हर चीज़ अल्लाह के मुखालिफ है। दुनिया यहाँ पर अब इस वक्त अक्सर तादाद को देखेंगे जो इस्लाम के मुखालिफ है वो फाजिर व फासिक है, तबाह करने पे तुले हुए इस्लाम को और समझते हैं कि उनके अख्तियार में। अरे भाई ज़िंदगी की मोहलत है, कब तक रहोगे, आज है कल चले जाओगे, मगर है। फिर वहाँ ऊँटनी को शहीद किया गया, फिर उसके बाद जो अजाब आया आपने देख लिया। एक तारीख दोहरा दी गई, दूसरी तारीख कि ताकत का देना भी अल्लाह के अख्तियार में है, साइंस का देना भी अल्लाह के अख्तियार में है, तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, तुम मेहनत करते तो अल्लाह नवाजता है, बजाय इसके कि मैंने ऐसा किया है वह बोलिए ये कि अल्लाह की हिकमत से मुझे ये कामयाबी मिली है, अल्लाह के सामने सरनगुं हो जाइए। ऐसा हो जाए जैसे कि झाड़ पर शाख लगी है, शाख को फल लगे हैं और जब फल लगते हैं झाड़ पर हर शाख झुक जाती है, जो शाख झुक नहीं जाती अड़ी हुई रहती है वो शाख टूट जाती है। ये आ गया पहले शिर्क का मामला, ताकत का मामला, साइंस का मामला। कौमे लूत आई, अल्लाह ने जिस मकसद से तुम्हें पैदा किया है आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को, वो मकसद तो वाज़े है ना, हर निकाह में पढ़ा जाता है ना कि तुमको आदम से एक जात से पैदा किया है, फिर उस जात से उसकी रफीक बनाई गई, फिर उन दोनों से हमने मर्दों और औरतों का एक कसीर तादाद बना दी और रिश्ते कायम कर दिए। मकसद क्या है मर्द और औरत का, ये जिम्मेदारी को निभाना, औरत और मर्द का अखलाक सिलसिले नसब के लिए और समाज को बढ़ाने के लिए, समाज में अमन खाने के लिए, फसाद मचाने के बजाय, ख्वाहिशें नफसानी अल्लाह ने तुमको दी है वो भी तो आजमाइश है ना, उसमें तुम्हारी तस्कीन है, बगैर उसके तो नस्ल नहीं चल सकती, मगर उस तस्कीन के लिए फिर एक शर्त है कि वही काम करो जो अल्लाह ने किया, जो रिश्ता कायम कर दो उसी। पहला रिश्ता अल्लाह ने क्या काम किया, मियाँ बीवी का कायम किया, उसके बाद ही सारे रिश्ते, और वही हमेशा रहने वाला है यहाँ भी और वहाँ भी, अगर मियाँ बीवी दोनों जन्नती हों। तो रिश्ता कौन सा, अल्लाह ने जो कायम किया है वो रिश्ता, हालांकि बीवी एक खानदान से आती है, मर्द एक खानदान से आता है, मगर दोनों जब मियाँ बीवी बन जाते हैं, एक दूसरे के लिबास बन जाते हैं, तो ऐसी सूरत में वो रिश्ता अल्लाह ताला अपना रिश्ता जो कायम किया है वो जन्नत तक नहीं तोड़ता, अगर खराब है तो दोज़ख में भी दोनों साथ रहेंगे। उस रिश्ते को बजाय इसके कि अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलते, तुमने ख्वाहिशात नफसानी को अपनी मर्जी और मकसद से इस्तेमाल कर आज जैसा कि कहा जा रहा है कि भाई शादी की ज़रूरत नहीं, रिश्ता रख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब तो ज़माने में और मग़रिब में तो चल पड़ा है कि अल्लाह ने जिसे मर्द बनाया है उन्हें अपनी ख्वाहिश है, उसका बुनियादी हक है कि अगर वो चाहे तो औरत भी बन सकता है, जिसे औरत बनाया है उसको गवर्नमेंट फंड दे रही है, मदद कर रही है, औरत बच्ची अगर चाहती है मर्द बनना तो ऑपरेशन करा के मर्द भी बन जाए। अब ये नहीं मालूम कि मादा तौलीद होगा उसके पास या नहीं होगा, अगर इन्हें बना तो इससे क्या बच्चे पैदा होंगे औरत से, ये भी नहीं मालूम, भी नहीं मालूम। और साथ रहने की इजाज़त खुद यहाँ के इंडिया ने दे दी है, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने, आप बगैर शादी की रहते हैं मर्जी से रहते हैं, अगर मर्जी से कुछ काम कर लें वो जिना नहीं होगा,
शादी के बाद अगर औरत की मर्जी के खिलाफ आप कमरे तो जिना है। हरी क्या क्या मुश्किल है? और ये कैसे लिया उन्होंने? उनके पास मजहबी तौर पर भी जायज है। कैसे? महाभारत का किरदार था शकुनी, अगर आप लोगों को याद है, उनकी तारीख में उनकी किताबों में लिखा है, पता नहीं मजहबी किताब है क्या है, मगर जो भी रिवायत उसमें मिलती है, शकुनी तो पैदा हुआ था औरत, काफी इबादत करने के बाद उन्हें जो है मर्द बना, चेंज हो गया सेक्स। जब मुकाबले पे आया भीष्मा, पता पितामा भाष्मा बोलते हैं, उन्होंने बड़े बुजुर्ग गुजरे, उनसे मुकाबले पे आया, उन्होंने बोला कि मैं औरत से मुकाबला नहीं कर सकता, औरत के खिलाफ जो है हथियार उठाना मेरे लिए नामुमकिन है, मेरे उसूल के खिलाफ है। उन्होंने हाँ हथियार उठाए बगैर खड़े रहे, उन्होंने उनको शहीद उनको मार दिया भीष्मा पिता। अब ऐसे कानून अगर बन जाए तो ये कौम लूत का जमाना नहीं है, ये तो आम हो गया ना। अमेरिका जैसे स्टेट में कई स्टेट ऐसे हैं जिसमें एक ही शख्स के दरमियान निकाह की इजाजत है, उनको हेल्थ कार्ड दिया जाता है, चीफ किसी नाम याद नहीं हमारा, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, कनाडा का टोरडो प्राइम मिनिस्टर इस उम्र में इसको कबूल करके अपने बीवी को तलाक दे चुका है कि मैं होमोसेक्सुअल हूं, मैं हमजिंसी में यकीन रखता हूं, 15 साल जिंदगी खत्म। ये बिगाड़ है ना। जब ये बिगाड़ पैदा हुआ, अखलाकी बिगाड़ पैदा हुआ, तो फिर वही तारीख देगा कि कौम लूत को मौका दिया गया लूत अलैहिस्सलाम के जरिए कि तुम जो है अपने अमाल को दुरुस्त करो। ऐसा तरीका जो दुनिया में कभी ईजाद ही नहीं हुआ, तुम पहले कौम हो जो ईजाद करती हो, उस पर भी झगड़ा है आज। कुरान कहता है कि पहली मर्तबा कौम लूत ने अमल किया, आज की साइंस कहती है कि इंसान की फितरत में अल्लाह ने ऐसे ज़राए पैदा किए, उसकी ख्वाहिश होती है कि सेम सेक्स करें। अरे खुदा के बंदे कहाँ से निकली? कोई सबूत नहीं, ख्याल है। फिर तारीख दोहरा दी गई और इनको डबल अजाब दिया गया, सारे अजाब एक ही वक्त आ गए, मगर इनको खर्द के डेड सी मुर्दार समंदर में, जहां पर आज तक कोई मछली होती है ना कोई चीज पैदा होती है, सारे के सारे दफन है अंदर। अंदर जाकर जो तस्वीरें ली गई हैं उसमें देखे तो ऐसा मालूम होता है कि आपको देख कर मालूम है क्या मुश्किल है। अल्लाह ने अभी उनको जिंदा रखा है, उसी नंगी हालत में वही अमल करते हुए तस्वीरें आज भी ली जा रही हैं। अल्लाह के अजाब की तारीख दोहरा दी गई। पांचवा वाक्या किसका था? शुएब का, नापतोल में गड़बड़ने का, वो भी तो मुसलमान थे कंपनी, नापतोल में गड़बड़ करना, यानी अल्लाह के अहकाम आए कि नाप तोल में गड़बड़ मत करो, किसी से मामलात किए तो उसका पूरा करो, जिसे वादा किए वादे की तकमील करो। अल्लाह ताला वादा की तकमील को कबूल करता है, पसंद करता है, ऐसे इंसानों को अल्लाह ताला अपने करीब रखता है। किसी समाज में अगर कोई समाज पनप सकता है तो ये दूसरे पे एतमाद से पनप सकता है। मुसलसिल हुक्म देते रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नाप 1 किलो के पैसे लूंगा, 750 ग्राम दूंगा। अरे कपड़ा फटा है फिर भी आ गया चले गया, कपड़ा एक बताऊंगा काटूंगा एक, वादा करूंगा तो वह इंशाल्लाह कल इस्तेमाल करूंगा, मगर दिल में रहेगा कि कभी पूरा नहीं करूंगा।
इंशाल्लाह अल्लाह के दे दूंगा, कोई मसला नहीं। खर्च लूंगा, दिमाग में रहेगा कि खर्च को वापस नहीं करना है, माफी चाहना है, बताना। सारी दुनिया के काम चलते रहेंगे मखरूज के, कर्ज लेने वाले के। शादी करेगा बच्ची की तो बेहतरीन करेगा, दावतें करेगा बेहतरीन करेगा, ईद के कपड़े बनाएगा बेहतरीन बनाएगा, हर चीज अच्छी करेगा अपने लिए। जब कर्ज वाला आए, कर्जदार आएगा, पूछेगा कर्ज अदा करो, तो कहेगा कि नहीं, मेरे पास क्या है, मैं इस काबिल नहीं हूँ कर्ज अदा करूँ। अल्लाह ताला ने इसके लिए शुएब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को सामने रखा है, किसी समाज के दुरुस्त होने का जो असल सबब है वो ये कि मामलात ज़िंदगी सही हो, सही हो। अगर सही नहीं है तो समाज बिगड़ जाता है। अल्लाह ताला ने उस समाज उसकी अहमियत बताते हुए फिर उस कौम पर अज़ाब लाया, फिर तारीख दोहरा दी। अल्लाह के अहकाम नहीं मानेंगे फिर ये होगा। उसके बाद कौम फिरौन है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद का हिसाब है, मुकम्मल अजाब नहीं आया, फिरौन को डुबा दिया गया, मगर फिरौन के साथ फिरौन का लश्कर डुबा, मगर पूरी कौम ने डूबी। उसके बाद मुकम्मल तबाही का निज़ाम बंद कर दिया अल्लाह ताला, क्योंकि अब वसाइल और ज़रा इतने बढ़ गए थे कि एक बात दूसरी जगह पहुंच सकती थी। अब जो है मामला, आखिरी जो शैतान का हरबा था वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बनाना, उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बना दिया, खालिक को मखलूक बनाना, यानी जितना शैतान बहका सकता था उसमें इंसान बहकता गया, और वो एक कौम रही, मिनहुम मन आमना मिनहुम मन कफरा। अल्लाह ने जो कहा तो तुम में से कुछ काफिर रहे कुछ, ये मुसलसिल तारीख है। इसीलिए कुरान की एक आयत है इसमें जो इस पूरे पहलू को बताए, कान अन्नास उम्मतम वाहिदा फबसल्लाहु नबीयन मुबशिरिन मुनजिरिन वअंजल माहुल किताब अलै बिल हक लियहकुम बैनहुम यौमल कियामति फीमा कुंतु फीमा अख्तलफु फी वलाकिन अख्तलफु मिनहुम मन आमना बि मनहुम मन क्या है भी जरा सा तबियत ठीक नहीं होने से जरा सा आने वाली स्वास्थ्य किताब भी ला लिया मैं। कान अन्नास उम्मतम वाहिदा फबसल्लाहु नबीयन मुबशिरिन मुनजिरिन वअंजल माहुल किताब बिल हक लियहकुम बैनन्नास फीमा अख्तलफु फी वमा अख्तलफ फीह इल्ला अल्लज़ीना ऊतूहु मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बगयन बैनहुम फहदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू लिमा अख्तलफु फीह मिनल हक बिइज़्निही वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। अल्लाह ताला ने सारे वाक़ियात के शायद में सब बता दिया। इब्तिदा में तो लोग आदम अलैहिस्सलाम के जो आए थे वो तो ये वाहिद थे ना मसाइल के लिए, शरीयत में झगड़े हुए उनके, जैसे हाबिल और काबिल का मसला है, मगर अल्लाह की ज़ात सिफात इख्तियारात में कभी भी उन्होंने गड़बड़ नहीं, सब एक ही थे। मगर अल्लाह ताला ने जो शरीयत नाजिल की, नबियों को भेजा, उसके बाद मुबशिरीन को, मुंजरीन को तो बाद में बात है, क्योंकि पहले शरीयत थी डराने वाला नहीं बशारत देने वाले को भेजा अल्लाह ताला। आदम अलैहिस्सलाम के आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितने नबी आए नूह अलैहिस्सलाम तक, बशारत देने के लिए, भाई खुदा के बंदे मत कम खारिए, अल्लाह की बशारत ही है इस पर अमल कर। जब मामला उसका आया अल्लाह की ज़ात और सिफात, शिर्क का मामला आया, शिर्क चूँकि माफ़ नहीं होता, वहाँ मुंजरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि अब डराने वाले, बशारत देने वाले के साथ अब जो नबी आएंगे डराने वाले भी होंगे। और अनज़ला माहुल किताब बिलहक़,
और उनके साथ जो है अल्लाह ताला ने हक सच्चाई की किताब नाजिल की, इस पे चलो, ये रास्ता सही है। मगर हुआ क्या, फिर दो गुरु बने, मुख्तलफ़ल्लज़ीना मिन बादी मा जातहुमुल बय्यनात बग़यन बैनहुम। जरा सा प्रेशर है उस पर, दे अपने दिमाग पे बुखार की वजह से। वंजला माहुल किताब अबिल हक लेहकुम बैनन्नास फी मख्तलफी, मगर लोगों ने इस किताब में इख्तलाफ किया। वमख्तलफ़ल्लज़ीना मिन बादी मा जातहुमुल बय्यनात बग़यन बैनहुम, मगर इख्तलाफ करने वाले कौन थे, वो लोग थे जिनको हमने किताब दी थी। इसका मतलब क्या है, दो मतलब है। कौमी सतह पर सारी उम्मत, मगर हर आदमी किताब को समझने का काबिल नहीं होता। इल्म वाले उस ज़माने के जो आलिम होते हैं वो किताब को अच्छी तरह समझते हैं, मगर बिगाड़ किससे पैदा, उम्मत तो बिगड़ी मगर बिगाड़ने की वजह कौन थे, उसके उलमा। वो क्यों कि आलिमों के दरमियान कौम बढ़ गई थी। एक आलिम किसी मसले पर अपने फ़ायदे के लिए एक बात करता, कोई चीज़ मसला के पूछता तो एक आलिम बोलता कि ये है इसका हल, और उससे नाराज़ आदमी दूसरे आलिम के पास पहुंचता तो बोलता अरे उन्होंने गलत बताया, तू जो कर रहा है सही कर रहा है। यानी आदमी की ख्वाहिशात इंसान के बुनियाद पर फैसले होने चाहिए उलमा को, क्योंकि उलमा से उनको फ़ायदा होता था। और ये मिजाज तो आज भी है, हर ज़माने में रहेगा, आज भी है। अपनी मर्ज़ी का फैसला ले लेना और उसमें बीच में उलमा को डाल देना, कोई आलिम बोले कि भाई तू जो कर रहा है वो गलत है, तो उसको मानने से इनकार करके फिर दूसरे आलिम के पास जाना। इसके लिए हज़रत उमर ने बड़ी अच्छी मिसाल पेश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काफिरों को भी कुछ इनामात दिया जाया करते थे ताकि वो लोग इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा फसाद ना मचाएं। पैसे मिलने के बाद आदमी का दिल नरम हो जाता, तो कुछ नरम है मुसलमानों के ताल्लुक से, उनकी जो रहती है परेशानियाँ या साजिशें कामयाब ना हो, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैसे देकर उनको रखते थे। उसी का जिक्र सूरह तौबा की आयत में है, मौलफतुल खुलूब, उनके दिल में रहम पैदा करने के लिए ज़कात में से भी पैसे देने की इजाज़त है। उस जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी में दाखिल हो गए, पर्दा फरमाए और अपना पूरा अस्वा हसना लोगों के सामने रख दिए। अबू बकर सिद्दीक जो है खलीफा बने, तो ये लोगों को परेशानी हुई कि भाई क्या बात है, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो होता था, अबू बकर सिद्दीक देते या नहीं देते नहीं मालूम। आप उनके पास पहुँचे, पहुँचने के बाद उनसे वही मुतालिबा किया, तो अबू बकर सिद्दीक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक ही फैसला देने वाले, वो फैसला ले लिया। मगर उसमें बादशाहों को शक हुआ कि भाई इसमें कुछ इजाफा होता है, कुछ होता है, कुछ कर सकते हैं क्या। उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के खटका मारा और पूछा कि भाई क्यों आए हो। हज़रत उमर ने कहा, पूछा तो उन्होंने कहा पूरा किस्सा सुनाया, ये फैसला आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो, इस फैसले पे ईमान है या नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं फैसला तो है मगर कुछ ना कुछ इख्तलाफ भी है। तो उन्होंने कहा मेरे पास क्यों आए हो, कि आप भी जलील क़दर साहबी हैं और आप फैसला कर दें। तो आपने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। आप अंदर गए, तलवार निकाले, आकर कत्ल कर दिया। शरई फैसला अबू बकर ने किया है,
जब ये लोग आके ऐसी बदला ले आए हैं ना, इसको बदलने की बात करते हैं, तो शरीयत इस्लामी में एक फितना पैदा करने की कोशिश है। अल फितना तो अशद्द मिन अल खत, आपने खत्म कर दिया। वो माहौल आज के माहौल में नहीं है। बहुत सारे फैसले होते हैं मगर एक मसलक दूसरे मसलक के मामले में ज़रा सा मुश्किल पैदा हो जाती है, समझने में मुश्किल होती है। उस ज़माने में तो बहुत थी, तो आज के ज़माने में भी ऐसा है माहौल, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर है मसाइल का अख्तियार तो उलमा का काम है सोचना कि भाई ये फैसले किसके कैसे करेंगे, हम तो मुब्तदी हैं, हमको क्या मालूम, मगर हमको जो मिलता है बात ऐसी मिलती है। तो ये चीज़ें, तो इसमें यही बात की गई कि इन लोगों में जिनको इल्म था उन्होंने अपने मर्जी से फैसले करवा कर इख्तलाफ किया और एक गुरोह बना लिया जो अल्लाह का अल्लाह के गुरोह से टकराने वाला था। और अल्लाह ने क्या किया उस मुसबा फहद अल्लज़ीना आमनू लिमख्तलफ फीहि मिनल हक़्क बिइज़्निही। जहाँ तक मुसलमानों का मामला है या फिर दो गुरु को अलग कर दिया, देखिए काफिर और गुरु, फज़ल्लाहुल्लज़ीन आमनू लिमख्तलफ फीहि मिनल हक़्क बिइज़्निही। अल्लाह ताला के फैसले तो शरीयत के मुताबिक होंगे, अल्लाह ताला ने हक का फैसला कर दिया, ये अल्लाह का हुक्म है। मोमिनों के लिए तो अल्लाह ने रास्ते छोड़ दिए, हिदायत दे दी मोमिनों को, मोमिनों को हिदायत दे दी, मोमिनों को किस तरह से बचा दिया। ये गुरु का तस्करा हुआ जो लड़ने वाला, दूसरा गुरु का तस्करा है, आज भी क्या है वही आसम, वही तारीख है, तारीख बदली नहीं, तारीख दोहराई जा रही है मगर वही तारीख है। यह दी मैं शाह अल्लाह का फैसला जिसकी चाहे हिदायत करे। अब ये एक आयत आती है इसमें मौजूद, अब चूँकि वो ज़माना नहीं रहा, अब अल्लाह ताला ने बताया कि देखो मोमिनो, मैंने काफिरों को तुम्हारे लिए पैदा किया। काफिर भी जैसे दुनिया की सारी मखलूक अल्लाह के हुकुम से इंसानों के लिए पैदा की गई, सबसे बड़ा तो अहसन तकवीम तो मुसलमान बंदे हैं, सारे सारे मखलूक को इंसानों के लिए पैदा किया गया और इंसानों के दो गुरुह, ये गुरु मोमिनों का, दूसरा गुरु काफिरों का। मोमिन दरअसल अल्लाह का मकसद है, मोमिन को पैदा करना, ये समझ लो आप, मोमिनों को पैदा करना, मोमिनों को जन्नत में भेजना, ये अल्लाह का मकसद है। मगर ईमान तय किए बगैर कैसा जाएंगे मोमिन, बजाय बजा कैसा जाएंगे, बगैर मेहनत के चले जाएंगे, नहीं हो सकता ना। आपको भी पैदा करा, उनको भी पैदा किया, वो तो आपकी मुखालिफत में हर किस्म से सामने आएंगे, मगर आप क्या हर किस्म से मुकाबला करने को तैयार हैं? नहीं है, है तो है। तो काफिरों से आप झगड़ा कैसा करेंगे ये जहन में रख के काम करना है आपको। ये अल्लाह का बड़ा फजल है कि मेरे मुखालिफ एक आदमी को पैदा किया ताकि मैं अमल से साबित करूँ मैं जन्नत का मुस्तहिक हूँ। वरना काफिरों को पैदा करने की क्या बात थी, कोई बात नहीं थी। तो हमारा मौक़ खुद को समझकर ईमान ताज़ा हो जाना चाहिए। अल्लाह ने इसलिए कहा जब कोई मुश्किल आती है किसी ईमान वाले पर तो इसका दिल बड़ा मजबूत हो जाता है, ईमान पर मुकम्मल हो जाता है, परेशान नहीं होता। अरे बता रही है ये तो मेरे लिए फ़ायदे की चीज़ है भाई, इसका मुकाबला कर लो तो भाई तो नंबर लिखा दिया मैं तो 35% पे नहीं हूँ मैं पास पे, मैं तो सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में जा रहा हूँ। आज के हालात में मुसलमान इसको समझ लें तो आज मुकाबला करना बड़ा आसान है, बड़ा आसान। जितनी तंगी आएगी आप समझे कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है, देखना चाहता है क्या रे करता भाई ने, क्योंकि देने वाला तो मैं ही हूँ ना। जो भी मुसीबतें अल्लाह की तरफ से आती हैं क्यों आती हैं मालूम तो करो, मेरा बंदा मेरी मुझे पुकारता है या अपने ख्वाहिश नफसानी की तरफ जाके दूसरों के ख़दमों में बढ़ जाता है कि नहीं हालात को तय करेगा। नहीं, हालात को तय करना तो अल्लाह का काम है, उसके दिमाग में भी अल्लाह ताले तो तय होता,
उन्हें जरिया बनता, मगर अल्लाह डालना उसके दिल में, तो अल्लाह से मांग के जाओ, डॉक्टर के पास जाओ ज़रूर, मगर देर मत रुकना, डॉक्टर शिफा देता नहीं, डॉक्टर दवा देता है। शिफा का देना तो अल्लाह के अख्तियार में, अगर डॉक्टर के अख्तियार में शिफा देना होता तो कोई आदमी मरता ही नहीं। तो ये बात है। हम तो काफिरों को जिस तरह पैदा किया, मुसलमानों के खिलाफ जो जंग महाज में ठहरे हुए हैं, उनसे खौफ खाने के बजाय अगर आपके दिल में ये इत्मीनान पैदा हो जाए कि अल्लाह ताला इस मुकाबले के लिए मुझे चुन लिया है, मुझे इस काबिल समझा है, इतने बड़ी नेमत क्या होती है, अल्लाह मैं हर कोशिश करूँगा अपने वसाइल के एतबार से इसका मुकाबला करूँ, आप गवाह रहना। मैं अपनी ज़ात से जितना आपने मुकल्लफ़ किया उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता, मगर मैं मुकाबला करूँगा, अल्लाह तूने मुझे ये मौका दिया। हर मुसीबत में अल्लाह को याद कर, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मौका दिया, इसी पे कामयाबी आज की दुनिया। आज जो इस्लाम के खिलाफ काम चल रहा है, हम समझते हैं कि नहीं इस्लाम खुदा ना खास्ता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा है उनकी उम्मत का तो फाखों से मारेगा अल्लाह ताला, ना किसी का तसल्लुत होगा इसके ऊपर। हाँ आपस में लड़ेंगे ज़रूर, मगर लड़ने में भी इस कौम का खासा ये है, नबी और नबी के ज़ात या अल्लाह के ज़ात कुरान के ताल्लुक से कुछ हो तो इख्तलाफ छोड़ के एक जगह हो जाती, कोई कैसा भी हो। तो इसलिए क्या हद अल्लाजीनाजनी वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम, अल्लाह ने उनका सब मजबूत बना दिया काफिरों से डरने के बजाय अल्लाह से शुक्र करें, अल्लाह हमको इस काबिल समझा, हमारा इम्तिहान हमारा ईमान, क्या ईमान है भाई, ईमान तो सहाबा का था, हमारा क्या ईमान है अल्लाह, सहाबा से जो तूने आजमाइश में डाला, हजरत बिलाल हो, हजरत अम्मार हो, हजरत यासिर हो, इनको जो डाला दे, सारे जंगों में जिनको डाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले, सात पत्थर पेट पर रखकर तीन तीन पत्थर रखने वाले, उनको तूने आजमाइश में डाला, उनका ईमान मजबूत था अल्लाह, मगर हम किस लिहाज से ईमान के इस आजमाइश के काबिल हैं अल्लाह, अगर हमको इस काबिल भी समझता है, इतना बड़ा एहसान है कि हमारे गुनाहों के बावजूद भी इस काबिल समझता है कि तू हमें इस कश्ती में इस मरहले पर हमें आजमाइश में डालकर हमारे ईमान का इम्तिहान ले रहा है, ये अल्लाह ताला तो मुझे मोमिन समझता है, इससे बड़ा क्या शुक्र अदा करूँ। इससे बड़ा क्या शुक्र। इसी आयत को इसकी बात की आयत में बताइए, किस्सा बयान करने के बाद इस हुक्म की ताईद में आया, तो आप हसित मन तदखुल जन्नत लम्मा यातिकुम मसल लजीन खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुम अलबासा व ज़र्रा व ज़ुलज़िलु हत्ता यकूल अर्रसूलु वल लजीन आमनू माहु मता नसरुल्लाह अला इन्न नसरल्लाहि क़रीब। ये है देखो नेमत आपको दी गई आज के ज़माने में, क्या तुम समझते हो जन्नत में यूं दाखिल कर दिया जाएगा, नहीं, तुम्हारे मुकाबले मैंने काफिरों को पैदा किया है मेरे बंदो, उनसे लड़ो अल्लाह के लिए, जब वो शैतान के लिए लड़ने का तुम्हारा फर्ज नहीं है तो अल्लाह के लिए लड़ो उनसे, हर मैदान में अल्लाह के लिए तुम्हारा काम नहीं है, अरे कुछ नहीं कर सकते बोलो तो सही, उसको दिल में बुरा तो समझो, कम से कम तो ईमान रखो, सोचो मैं ऐसा अल्लाह मैं क्या करूं, मैं तो इतना ही कर सकता हूं, बस कामयाब, किसी हालत में नहीं कर सकते, पूरा माशा कामयाब लामयाद मसाओ। तो जितनी मुश्किलें आई तकलीफें आई, यहाँ तक के लोग हिला दिए गए, हजरत बिलाल का वाक्यात को हिला दिए गए, यहाँ तक के उस वक़्त का रसूल उसके साथ रहने वाले मोमिन पुकार उठे कि या अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। ये है ईमान की कड़ी, ये है ईमान, ये है तारीख हमारी, और यही तारीख हमेशा दोहराई जाती है, चाहे वो चंगेज़ खां का ज़माना हो, चाहे हलाकू खां का ज़माना हो, चाहे बाद का ज़माना हो, चाहे आज का ज़माना हो, जहाँ सारी दुनिया में सारे अख़वाम अलग हैं,
आप अलग है ना, मिनहुम मन आमन मिनहुम मन काफर, सारी दुनिया में अलग है सब, वो सारे जमा होके एक तरफ है मगर ये कौम एक तरफ है, तो आपका वजन क्या है? ख़त्म है अभी, एक तरफ क्या है आपका, आपका वजन कितना है? बहुत बड़ा वजन है कितने, आप अगर छोटे भी 25% भी रखे 75% आपके खिलाफ, और आपसे डरते हैं, अरे आज डरते हैं, आप कुछ नहीं है आपके पास, अब भी डरते हैं, उसको मार दो, उसको जला दो, पूरे 50 आदमी हमें मिलकर मारो, अकेले को नहीं मार, अकेले नहीं लड़ सकते, ये सारी चीज़ें हो रही ना, कमज़ोरों को पकड़ो, ये सारी चीज़ें हो रही। तो तारीख अपनी तारीख अल्लाह के फजल से हिंदुस्तान में उस मरहले में है जो मरहला मक्के का था। हम मक्के के लोग तो नहीं है ना, नऊज़ बिल्लाह, हैं हम मक्के के लोग, अल्लाहु अकबर, कैसा मुकाबला करें उनकी, पूरी पैर की धूल के बराबर नहीं हम, मगर अल्लाह ताला हिंदुस्तान में मुसलमानों को इतना दर्जा दिया, उनके उनके मुताबिक बनाकर इम्तिहान ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है, और मुसलमान अल्लाह के फजल से इस इम्तिहान में अल्लाह के फजल से कामयाब है। तो हालात पे परेशान होने के बजाय तारीख फिर दोहराई जाएगी, यकीन रखिए आप, इस मरहले से निकल कर फतेह मक्का होगा, फतेह मक्का होगा इंशाअल्लाह, फतेह मक्का होगा, जहाँ तुम रहते हो वहाँ फतेह मक्का होगा इंशाअल्लाह, इसको जहन में रखिए। तो तारीख अपने आप को ज़रूर दोहराएगी, कभी आपको हुकूमत दे के आजमाएगी, कभी महकूम बना के आजमाएगी, मगर कामयाब क्यों होंगे दायमी तौर पर? मोमिन ही कामयाब होंगे। नेमत किसके लिए? अल्लाह, अल्लाह के रसूल और मोमिन इनके लिए, ये बात है। तारीख़ इस्लाम की, तारीख़ इस्लाम के जो उनवान है, दरअसल इस तरफ रागिब करने के लिए आप लोगों को दावत देता है कि समझो तारीख़ इस्लाम। तारीख़ इस्लाम में जंगे नहीं है, तारीख़ इस्लाम में खाली वो मामला नहीं, असल में मकसद क्या है? बहसियत मोमिन आप क्या 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 रवैया अख्तियार करते हैं, वो है मसला। अल्लाह को मानते हैं या नहीं मानते? अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरे बयान से आपको कुछ, अल्लाह ताला कुछ मुझे भी हिदायत दे, आपको भी हिदायत दे, वो कोई शर निकला ज़बान से तो अल्लाह उसको माफ़ करे, जो खैर है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, हमारे लिए राह हिदायत दे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन नबीका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअज़ाका मिन नबीका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तान व लैकल बलाग ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिही व असहाबिही अजमईन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन व अलहम्दु لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته। माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर इंजीनियर साहब का लेक्चर बहुत ही मुफीद और मालूमती था, और उनवान तो बहुत ही दिलचस्प था। अल्लाह आपका खुद का जो है बनाया हुआ था वो बहुत अच्छा उनवान था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई। हमारी दुआ है अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपके इल्म में तरक्की दे, आपके हम सब की दराज करे अल्लाह ताला, सेहत और आफियत के साथ रखे रहे आखिरी सांस तक हम लोगों को, खातिमा इस्लाम पर करे, जो गुजर चुके हैं उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा, और जो बकायद हयात हैं उनको तौफीक दे, हिदायत दे, सच्ची तौबा कर ले, तौबतुन नसूह करवा ले, और हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। या इल्लाहु आलमीन या रहमान रहीम, अल्लाह सबको तौफीक दे।